आज योगिनी कॉलेज के पास एक 18 साल की कॉलेज की बच्ची को उसी कॉलेज के स्टूडेंट ने छुरा घोंप कर उसको वहीं खत्म कर दिया है। उस्मानपुरे की रहने वाली वो बच्ची, तो अगर हम ये देखें कि लगातार ये सिलसिला रोज अगर देखें किसी ना किसी की हत्या हो रही है। मैंने कुछ दिन पहले पुलिस कमिश्नर साहब से इल्तजा किया था कि अगर पुलिस स्टेशन काम नहीं कर रहे हैं तो आप अपने जेरे निगरानी एक पुलिस टीम तैयार कीजिए, जो कहीं पर भी किसी भी इलाके के अंदर जाकर जो ड्रग्स का नशे का कारोबार चल रहा है उसके ताल्लुक से वो रेड कर सकते हैं। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि दो दिन पहले ही पुलिस कमिश्नर साहब ने एक स्पेशल टीम तैयार की है उनके सुपरविजन के अंदर, जो किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर किसी भी इलाके के अंदर जाकर रेड कर सकती है। मैं आप लोगों से इस बात का ताउन चाहता हूँ, आप लोगों की मदद चाहता हूँ कि देखिए जो मरने वाला है वो हो सकता है कि आपका कोई बेटा भाई दोस्त ना हो, लेकिन अगर आज उसकी बारी आई है तो हो सकता है कि कल हमारे में से किसी की भी बारी आ जाए। तो हम सबको इस बारे में बहुत संजीदगी के साथ तो सोचने की जरूरत है। अगर जिस किसी के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो पुलिस से अगर शेयर नहीं करना चाहते हैं तो मुझसे शेयर करिएगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी इंफॉर्मेशन मेरे पास पहुंचती है तो उसके 24 घंटे के अंदर इंशाल्लाह हम वहां पर कार्रवाई करेंगे, उसके ऊपर रेड करेंगे। ये एक सामाजिक दायित्व है, समझ लीजिएगा, हम सबकी जिम्मेदारी ही है। और हमने बहुत सारे उलमाए किराम को और आज जमात इस्लामी के इस प्रोग्राम के जरिए भी मैं ये अपील करना चाहूंगा कि जुम्मे के खुतबे के दौरान इस बात के ऊपर बात होने की जरूरत है, इस बात के ऊपर चर्चा होने की जरूरत है कि क्यों नौजवान जो है वो नशे के लत के अंदर इतनी तरह से बुरी तरीके से वो शामिल हो रहा है। मारने वाला मरने वाला दोनों भी नशे के अंदर हो रहे हैं, तो ये जो है बहुत ही एक संजीदा मुद्दा है जिसके ऊपर हम सबको साथ में मिलकर आने की जरूरत है। मैं जमात इस्लामी हिंद के और खासतौर से वालिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी कोई सामाजिक मुद्दा आता है ये जमात बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। और आज भी जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है एक ऐसे वक्त के अंदर जहां पर मजहबों के बीच में, समाजों के बीच में, जाति धर्म के बीच में दरारें और दीवारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये इस मुल्क की तहजीब है, इस मुल्क की संस्कृति है कि हम लोग त्योहार मनाते कई सालों से जो आ रहे हैं उस तहजीब का ही हिस्सा है कि हम ईद सब साथ में मिलकर मनाते हैं। और दिवाली हो, दशहरा हो, गणपति का त्योहार हो, हम सभी लोग किसी भी जाति धर्म का त्योहार हम साथ में मिलकर मनाते, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये जो दरारें और दीवारें पैदा की जा रही है, क्यों की जा रही है, कैसे की जा रही है, हम अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं। तो ऐसे जब प्रोग्राम्स होते हैं तो यकीनन ये प्रोग्राम सिर्फ शीरखुरमे का प्रोग्राम नहीं होता है कि यहाँ पर आए और हमने शीरखुरमा पिए और चले गए, ये दिलों को जोड़ने का प्रोग्राम होता है, ये दिलों को आपस में करीब लाने का प्रोग्राम होता है। और ऐसे प्रोग्राम्स की आज बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, हम ये समझते हैं। मैं वाजिद साहब को और जमात इस्लामी को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आप तमाम लोगों को एक बार फिर से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।